वेलकम बैक एवरीवन। तो यार आज हम बात करेंगे पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। तो यार पाइथन के बारे में सबसे पहले सोचा था जी वी रॉसम ने, वो भी एज अ सक्सेसर ऑफ ए बी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था 1989 में, और 1991 में पाइथन का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हालांकि हमें इतनी हिस्ट्री से मतलब नहीं है बिकॉज़ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल, राइट, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो, राइट। तो पाइथन 2 को रिलीज़ किया गया था 2000 में, और वो भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस या फिर गार्बेज कलेक्शन जैसे फीचर्स के साथ। और ऐसा गार्बेज कलेक्शन रेफरेंस साइकिल को भी कलेक्ट करता है। ओके, अगर आपको नहीं पता कि रेफरेंस साइकिल क्या होते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर एक दूसरे को रेफर करते हैं, ओके, तो उसे हम रेफरेंस साइकिल बोलते हैं। और यार पाइथन 2 को पाइथन वॉलंटियर टीम की तरफ से पहले 2015 में बंद किया जाना था, लेकिन जैसे कि मोस्ट ऑफ द कोड हमारा पाइथन 2 में रिटन था उस टाइम पे, तो लोगों ने एकदम से हम चेंज अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी डेट को एक्सटेंड करके उन्होंने जनवरी 2020 तक कर दिया। ओके, तो अभी जो पाइथन 2 को सपोर्ट है वो हमारा जनवरी 2020 तक है। उसके बाद में पाइथन को वॉलंटियर टीम की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी सिक्योरिटी फिक्स नहीं मिलेगा। ओके, तो यार पाइथन 3 को लॉन्च किया गया था 2008 में, और जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि वो बैकवर्ड कंपेटेबल होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई न्यू वर्जन लॉन्च होता है तो अपने पिछले वर्जन्स में लिखे गए कोड को भी सपोर्ट करती है, लेकिन पाइथन 3 में ऐसा नहीं है। हम पाइथन 2 के कोड को बिना मॉडिफाई किए पाइथन 3 के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। हालांकि पाइथन 3 में 223 नाम का एक पैकेज इंक्लूडेड आता है, जिसको आप यूज़ करके अपने पाइथन 2 के कोड को पाइथन 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट फुली। एक्चुअली अगर आपका कोड आपने थोड़ा सा हाई एंड पे लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको ऐसे बेसिक सा कोड है जिसमें खाली अपने प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, नॉर्मल हमारा लूप्स वगैरह जो पाइथन का बेसिक सिंटैक्स होता है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो आपका कोड एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग वगैरह की है तो कहीं ना कहीं पे हमारा ये पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाता। ओके, तो कुछ आपको खुद से अपने हैंड से कन्वर्ट करनी होती है। तो अगर आपको देखना है कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तो आप जो नीचे लिंक दिया हुआ है आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय।